अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जल्दी आइए, जल्दी आइए। Excuse me. जल्दी जल्दी जल्दी। प्लीज जल्दी लेकर जाइए ना। Excuse me डॉक्टर। डॉक्टर देखिए मैं आपके आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, प्लीज कुछ भी करके ना इनको होश में लेकर आइए, इनका इलाज कीजिए। लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं यहाँ पर बाहर बैठा हूँ, आपको जब जिस चीज की जरूरत हो ना प्लीज मुझे बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्लीज आप संभालिए अपने आप को, प्लीज डोंट क्राई एंड बी स्ट्रांग, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर देखा कर, मेरी शादी हो चुकी है और किसी और से नहीं, तुमसे मेरी शादी हुई है। प्रीता जो तुम्हें एहसास हुआ है वो बिल्कुल सच है, ये सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। रस्मों से, कस्मों से तुम मेरी पत्नी हो प्रीता, इस होश में आ जाओ। सच कह रहा हूँ प्रीता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। प्रीता देखो अभी अभी ना हमें बहुत जीना है, हमने जो जो मिस किया ना हमें, हमको वो सब जीना है। प्रीता अभी बहुत जिंदगी बाकी है, प्लीज मुझे छोड़ के मत, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रीता, प्लीज मुझे छोड़। माँ कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर इलाज करे, कुछ नहीं होगा। पिता जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे रोइए मत प्लीज, माँ ठीक हो जाएंगी। देखिए आप ऐसे रोइए मत, इस वक्त माँ को आपके आंसुओं की नहीं करण लूथरा की जरूरत है। आप ऐसे टूटिए मत प्लीज। आप यहां पर आकर बैठिए, आप बैठिए प्लीज, आराम से। डैड सब ठीक हो जाएगा। तभी कैसा पिता, क्योंकि मुझे तुम दोनों को चुप कराना चाहिए, मत मैं खुद ही तुम्हारे सामने रो रहा हूँ। नहीं नहीं डैड इट्स ओके, सब ठीक है। कितनी चोट लगी है तुमको भी? कितनी चोट लगी है तुम्हें? तुमको तो इलाज की जरूरत है, यहाँ बैठ के रो। मैं भी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। डॉक्टर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है, बाल कर देखो ना कितना खून निकल रहा है,
कितनी चोटें आई हैं, तुम्हें यहाँ पे कटा हुआ है, तुम्हें रेड रेड रैशेस आए हैं। मेरे बेटे, अरे तुम्हारा पिता हूँ मैं। मैं तुम्हारी टेक केयर नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इट्स ओके सिस्टर, सिस्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर को जल्दी बुलाइए, इन दोनों को इलाज की जरूरत है। यस सर, बट प्लीज आप पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए मैं सारे फॉर्म फिल कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, इन दोनों का इलाज होना जरूरी है। ओके सर, मैं बुलाती हूँ। डैड डैड सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे कैसे नहीं हुआ है, मुझे पता है मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, मुझे पता है कि तुम कितने पेन में हो, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, तुम्हें इलाज की जरूरत है। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है? क्योंकि मैं माँ। प्रीता कैसी है? सर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब तक आप भी बैंडेज करवा लीजिए, आपकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। अरे मेरी चिंता छोड़िए, आप ये बताइए कि प्रीता कैसी है, वो ठीक हो गए ना, सब ठीक हो जाएगा। सर ये सब बातें तो हम रोज पता नहीं कितने लोगों के मुंह से सुनते हैं, पर आपके मुंह से सुना तो आई फील लाइक आपने दिल से कहा। यू डोंट वरी सर, शी विल बी फाइन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। करण दादी, पुत्र प्रीता का है, ठीक है ना? हाँ 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 दादी बिल्कुल ठीक है। और वो जल्दी अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर्स हैं उसके साथ में, आप बिल्कुल चिंता मत करो दादी। हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। सच में बेटा वो अच्छी हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी से मतलब सिर्फ हेल्थ वाइज अच्छी नहीं होगी, उसको सब कुछ याद भी आ जाएगा। हाँ दादी, जब मैं उसको एडमिट कर रहा था ना, थोड़ी देर के लिए प्रीता को होश आया था, उसने मुझसे पता है क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि उसको सब कुछ याद आ गया, उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी मुझसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।